इससे पहले हमने आपको महावारी, जिसको हम ऋतुस्राव के नाम से, आतर्व चक्र के नाम से, या फिर बेसिकली घरों में लोग उसको पीरियड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया था। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां, बहुत, अरे मतलब भर भर के मेरे पास एक कमेंट आया, मैम जिसको हर मंथ क्या रेगुलर नहीं आ रहा, ठीक है, नियमित तरीके से नहीं आ रहा, इरेगुलर है, कभी एक महीने आ रहा है, दूसरे महीने नहीं आ रहा, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि दो दो महीने पर आ रहा है, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो इस पर आपको मिलने वाला है आज के क्लास में प्रॉपर वीडियो, तो चिंता की बात नहीं है गर्ल्स, ठीक है, हम लोग एक सुपर गर्ल्स है, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, ऐसे डरते नहीं है बल्कि डर का सामना करते। तो आज आपको निधि मैम बताने वाली है कि आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक महिला के शरीर में अनियमित पीरियड देखने को मिलता है। तो क्या सभी लोग तैयार है? जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज इसको शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर लड़का इस वीडियो को जरूर देखे। सोचो लड़का क्यों देखे, क्योंकि उनको भी पता होनी चाहिए, ठीक है, आपकी बहनें घर पर, आपकी कभी पत्नी होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी न किसी रिश्ते के साथ आप किसी न किसी लड़की के साथ जुड़े हुए हो, तो उनकी समस्या भी तो आपकी समस्या है। केवल वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं है, ठीक है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको भी अपना समझिए और उनका साथ दीजिए। साथ देने का मतलब ये नहीं कि उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, बल्कि उनका साथ देने का मतलब होता है कि उनके साथ बने रहिए, उनको कम से कम सहानुभूति दीजिए कि ये नॉर्मल है, उनको बताइए कि हाँ ये चीज होता है लेकिन इस कारण होता है, ठीक है, आपको भी ये चीज पता होना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बकैती नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए कि पीरियड मिस होना, इरेगुलर पीरियड्स, ठीक है, पीरियड का मिस होना ही क्या कहलाता है, इरेगुलर पीरियड्स, और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है या फिर गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। आमतौर पर पीरियड मिसिंग प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी होता है। देखो ज्यादातर क्या होता है, अगर किसी महिला का पीरियड मिस हुआ, एक महीने पीरियड नहीं आया, तो उसका ध्यान कहाँ जाता है, उसका ध्यान जाता है कहाँ पर, गर्भधारण की तरफ, कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन एक लड़की जो अभी शादी नहीं की, किसी के साथ रिलेशन में ही नहीं है, फिर भी अगर उसका पीरियड मिस हो रहा हो तो क्या वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं, ठीक है। तो फिर आखिर उसके शरीर में ऐसा क्या है, वो डरने लगती है, लड़कियां क्या है, इन सभी चीजों को लेकर हाइपर होने लगती हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर और आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं आपके शरीर में। हमने बताया कि पीरियड का मिस होना यानी इरेगुलर जो आपका पीरियड है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल नहीं होता बल्कि ये कोई गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर किसी लड़की का पीरियड मिस होता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा है। लेकिन अगर कोई लड़की कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाई है, या फिर बोल सकते हैं कि कोई लड़की है रिलेशन में भी है लेकिन वो गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल कर रही है, उसके बावजूद उसको अगर पीरियड मिस हो गया तो लड़की के अंदर डर हो जाता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो, समाज क्या सोचेगा, उसके अंदर अलग अलग चीजें चलने लगती हैं। तो आपको बता दें, पीरियड का मिस होना केवल और केवल प्रेगनेंसी का रीजन नहीं है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है तभी पीरियड मिस होगा, और भी बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से पीरियड मिस होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पीरियड के बारे में कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। देखो पीरियड हर महीने लड़की के शरीर में होने वाला एक चक्र है, ये लगभग लड़की के शरीर में 12 साल से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, 12 साल से लगभग 45 साल तक चलता है। जब लड़की के शरीर में पहली बार पीरियड आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन, यहाँ पे लिख देते मेनार्क कहते हैं, ठीक है, मेनार्क। और जब आखिरी बार आता है तो उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज वह अवस्था है जब लड़की के शरीर में पीरियड बंद हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, लड़की के शरीर में, गर्भाशय में, अंडाशय में कुछ हार्मोन्स बदलाव होते हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से महिला की योनि से रक्त बाहर निकलता है, जिसको हम लोग रक्तस्राव कहते हैं। अब ये क्या है, ये हर महीने होता है 28 दिन। याद रखना, एक महिला के दो पीरियड के बीच में लगभग 28 से 35 दिन का समय होता है। कुछ महिलाओं में 28 दिन के बाद ही
दूसरा पीरियड आ जाता है, कुछ महिलाओं में लगभग 35 दिन लगता है। तो अगर आपके पीरियड में 28 से 35 दिन का समय लग रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। कुछ महिलाएं कहती है कि मैम एक महीने पर आता है तो हमको एक महीना हो गया है लेकिन मेरा पीरियड नहीं आया, तो रीजन क्या? अगर एक महीना 5 दिन, एक महीना 6 दिन हो रहा है तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना चलता है। ये बॉडी के खान पान पर डिपेंड करता है, कभी कभी होता है कि हम लोग क्या है थोड़ा कमजोरी आ जाता है शरीर में तो इसके वजह से 5 दिन आगे चला जाता है पीरियड का डेट, लेकिन ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता के विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया और पीरियड नहीं आया तो ये चिंता का विषय है, आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर किसी भी जो आपकी महिला डॉक्टर है उनसे जाकर मिलिए, उनको बताइए, क्योंकि ये इससे इरेगुलर जो आपके पीरियड है ये बहुत सारे रोगों के लक्षण है। अगर किसी महिला को ये हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई रोग उसके शरीर में है, ये भी बात बताने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा। तो आइए आगे, हमने अभी पीरियड्स के बारे में आपको बता दिया, आगे देखेंगे। आगे तनाव भी, ठीक है, तनाव यानी स्ट्रेस। अब सोच रहे हैं लड़कियां कि मैम सबसे बड़ा रीजन क्या है पीरियड के मिस होने का? एक अगर 12 साल की 14 साल की लड़की है तो उसमें पीरियड कैसे मिस हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां होती है 16-17 साल, जब हम लड़कियां 16 से 17 साल की अवस्था में आते हैं तो उस दौरान हमारे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं पढ़ाई को लेकर, कुछ लड़कियां रिलेशन में होती हैं उस दौरान पर तो उनके ऊपर रिलेशन का स्ट्रेस रहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं और स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इरेगुलर आपके पीरियड का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। यहां पे लिखा है तनाव भी पीरियड मिस होने का एक मुख्य कारण हो सकता है। आमतौर पर पीरियड साइकिल 28 दिनों का होता है। ज्यादातर हमको पता है कि जो पीरियड का जो साइकिल है यानी 2 पीरियड, अगर एक लड़की को 3 तारीख को पीरियड आया है तो दूसरा पीरियड कब आएगा? 28 दिन के बाद यानी 1 तारीख को लगभग आएगा, ठीक है। हर लड़की को याद रखना 28 दिन का समय लगता है पीरियड आने में, क्लियर, जो हर महीने इतने दिन के अंदर पर चलता रहता है, जबकि पीरियड का समय एक महीने में लंबा और दूसरे महीने में छोटा होता है, उससे अनियमित पीरियड माना जाता है। अगर मान लो किसी लड़की को एक महीने आ गया 3 तारीख को, दूसरे महीने आ रहा है अगले 13 तारीख को, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है 30 दिन से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपको क्या देखने को मिला कि एक महीना बिल्कुल नहीं आया, अगले महीने आ रहा है, एक महीना गायब पीरियड, तो ये आपका क्या है, ये आपके शरीर में होने वाली एक समस्या का कारण है, समझे। चलिए आगे देखते हैं मासिक धर्म अनियमितता, ठीक है, मासिक धर्म अनियमितता के विषय में विस्तार से समझने के लिए विशेषज्ञ का मानना है, जितने भी हमारे क्या है जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि कुछ समस्याओं का उपचार भी पीरियड्स मिस होने का कारण बन सकता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी अगर किसी को, कोई भी लड़की है जिसके शरीर में क्या है थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई या फिर कम हो गया, देखो ज्यादा होना यानी हाइपो कहलाता है, क्लियर, हाइपो या हाइपर यानी जो थायरोक्सिन की मात्रा है उसमें कमी हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं पीरियड मिस होने का रीजन है। दूसरा होता है पीसीओडी, महिला के शरीर में इस दौरान एक बहुत ही गंभीर बीमारी चल रहा है पीसीओडी, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ठीक है, और इसका इलाज, अगर किसी महिला को पीसीओडी है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसका पीरियड इरेगुलर होगा, कभी भी टाइम पर नहीं आएगा, ठीक है, एक महीना आ रहा है तो दूसरे महीना बिल्कुल नहीं आएगा, तीसरे महीने में हो सकता है बहुत ज्यादा आए। कुछ महिलाओं का होता है कि मैम हमें बहुत ज्यादा पीरियड आता है और एक महीने में बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी आपका अनियमित है। इरेगुलर का मतलब ये नहीं कि केवल डेट में अंतर, डेट में अंतर नहीं बल्कि फ्लो में, अगर किसी महीने में बहुत ज्यादा किसी महीने में बहुत कम आ रहा तो ये भी आपका इरेगुलर है। अगर किसी महिला को क्या हो रहा है कि सूखा आ रहा है, किसी महिला को अगले महीने में क्या हो रहा है आपको एकदम बिल्कुल लिक्विड आ रहा है, तो ये भी आपका एक क्या है, इरेगुलर आपके पीरियड का ही रीजन है या फिर बोल सकते प्रकार है। आगे पीरियड मिस तथा अनियमित महावारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अब हमको ये जानना है कि आखिर महिलाओं में जो पीरियड है जो मिस हो रहा है इसके पीछे क्या क्या रीजन है, यानी किन किन कारणों के वजह से महिलाओं का पीरियड टाइम पर नहीं आ रहा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, पीरियड मिस होना या लेट आने के अनेक कारक होते हैं। अगर आप गर्भधारण का प्लान नहीं बना रहे, ठीक है, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं कर रही है, उसको कोई संबंध नहीं बनाई है,
है, ठीक है, प्रेग्नेंट की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसका पीरियड में क्या है, अनियमितता है, तो इसके निम्न कारण। देखो, अगर कोई लड़की प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है, संबंध बना रही है किसी के साथ, ठीक है, अगर असुरक्षित संबंध बनाई है, उसके बाद अगर महिला को पीरियड नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो महिला प्रेग्नेंट है, ये चीज हमको पता है। लेकिन अगर कोई महिला किसी के साथ संबंध नहीं बनाई है, किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, तो फिर अगर उसका पीरियड मिस हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे से कुछ रीजन होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला है तनाव। तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस। तनाव एक महिला के शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है, जिससे पीरियड में अनियमितता भी शामिल है। तनाव के कारण महिला के शरीर में GnRH हार्मोन यानी गोनेडोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण ओव्यूलेशन, ठीक है, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता या पीरियड्स नहीं आते। आपको पता है पीरियड क्यों आता है? पीरियड आता है अंडा। देखो, जैसे ही महिला के शरीर में जो 28 दिन का चक्र है ना, एक महिला को दो पीरियड के बीच में कितना समय, दो पीरियड के सब बीच में 28 दिनों का समय लग रहा है। इन 28 दिनों में महिला के शरीर में अलग अलग घटनाएं होती हैं। इन 28 दिनों में जो 14वां दिन होता है, 28 दिन में जो 14वां दिन होता है, उस समय महिला के अंडाशय के अंदर जो अंडा बना होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। जैसे ही महिला के शरीर में अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, वो इंतजार करता है शुक्राणु का। अगर उस दौरान एक महिला संभोग की क्रिया कर लेती है, तो अंडा और शुक्राणु आपस में मिलकर संतान बना लेंगे। लेकिन अगर एक 16-17 साल की लड़की है, या फिर कोई एक ऐसी महिला है जो किसी के साथ संबंध में नहीं है, कोई संबंध नहीं बनाई है, तो उसका अंडे का क्या होगा, उसका अंडा नष्ट हो जाता है। और जब उसका अंडा नष्ट होता है, तो उसकी दीवारें, जो गर्भाशय, लड़की की जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय पर रक्त का बना हुआ एक दीवार होता है, जिसको एंडोमेट्रियम परत कहते हैं, ये परत भी टूटने लगता है। ठीक है, जैसे ही अंडा फूटा, ठीक है, अंडा क्या है, 14वें दिन महिला के अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आ गया, फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा, शुक्राणु नहीं मिलता, तो अंडा नष्ट होता है। अंडा जैसे ही नष्ट होता है, महिला का एंडोमेट्रियम परत टूटने लगता है। एंडोमेट्रियम परत रक्त का बना हुआ एक परत है, जो महिला के योनि से रक्त के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। तो जब एक महिला स्ट्रेस लेती है, बहुत ज्यादा चिंता करती है, तो उस दौरान हमारे शरीर में हमारा जो मस्तिष्क है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, उससे एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है GnRH हार्मोन। पूरा नाम होता है गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, दो हार्मोन निकालता है, LH और FSH। LH और FSH की वजह से महिला के शरीर में अंडा बनेगा। अगर किसी महिला के शरीर में अंडा नहीं बनेगा, तो अंडा नष्ट नहीं होगा, और अंडा अगर नष्ट नहीं होगा, तो पीरियड यानी एंडोमेट्रियम परत बाहर टूटकर नहीं गिरेगा। तो अगर एक महिला तनाव लेती है, स्ट्रेस लेती है, तो उसके शरीर में अंडे का निर्माण नहीं होता, और अंडे का निर्माण नहीं होता, इसी वजह से उसके शरीर में पीरियड नहीं होता। तो कोशिश करिए, जो भी लोग स्ट्रेस ले रहे, बहुत चीजों का चिंता ले रहे, याद रखना चिंता चिता होता है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने कहकर गया चिंता चिता का रूप है, तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। भगवान पर, ईश्वर पर, अपने आप पर भरोसा रखिए, और बस संघर्ष की आग में जलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो तनाव को क्या करना है लड़कियों को, एकदम मना, स्ट्रेस नक्को लेने का, नहीं लेने का, ठीक है। वैसे भी लड़कियां देने वाली है, स्ट्रेस लेने वाली नहीं है, ठीक है। तो कोई, अब आपका दूसरा रीजन, अब कुछ लड़कियां बोलेंगे मैम हम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन फिर भी मेरा पीरियड टाइम पर नहीं आता। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, डेली रूटीन में बदलाव। अगर एक महिला की क्या रूटीन में बदलाव हो रहा, वो कभी क्या कर रही है, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रही, बाहर का खाना ज्यादा खा रही, घर का खाना नहीं खा रही। कुछ महिलाएं क्या होती है कि एक टाइम खाती है, दूसरे टाइम नहीं खाती, तो उनके वजह से उनका शरीर में क्या है, उनके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। और कहीं ना कहीं पोषण की कमी भी क्या करती है, हमारे पीरियड को मिस करने के लिए जिम्मेदार होती है। तीसरा रीजन है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। देखो याद रखना, जब तक एक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस दौरान महिला के शरीर में जो अंडे का निर्माण है वो नहीं होता, और अंडे का निर्माण नहीं होगा यानी पीरियड नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरा रीजन ये है कि अगर एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके शरीर में पीरियड नहीं आता, जैसे ही वो दूध पिलाना बंद कर देगी, उसके शरीर में वापस से क्या होगा, पीरियड चालू हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट है आपका
बीमारी, अगर कोई लड़की है जो किसी लंबी बीमारी या अचानक से हुई सर्दी खांसी या बुखार के कारण पीरियड्स में देरी हो सकता है, अगर कोई लड़की है जिसको क्या है बहुत लंबा बीमारी चल रहा या फिर सर्दी जुखाम है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है उसके पीरियड में कमी या फिर उसके पीरियड में हमें क्या देख सकता है देरी देखने को मिल सकता है। हालांकि यह कुछ समय के लिए होता है, जैसे यह समस्या दूर होती है पीरियड फिर से नियमित हो जाता है। ठीक है, कभी नोटिस करना अगर आपको सर्दी जुखाम है तो आपका जो डेट अगर 2 तारीख को है ना तो वो आगे बढ़कर आएगा, यानी आपका डेट क्या होगा आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये रीजन होता है सर्दी खांसी का, जो नॉर्मल है 1 महीना सर्दी खांसी है दूसरे महीने ठीक हो जाएगा तो दूसरे महीने पीरियड क्या होगा वापस से अपने टाइम पर चलेगा। अगला नेक्स्ट है आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स। बहुत महिलाएं क्या करती हैं, संभोग करने के बाद वो दवाइयां गोलियां खा लेती हैं। हमने कई बार कहा है कि उन गोलियों का इस्तेमाल एक नियमित रूप से करना ही ठीक है, बहुत ज्यादा गोलियां हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, जब जब संभोग की क्रिया करती हैं उस दौरान वो क्या करती हैं गोलियां, जो ओरल पिल्स होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से भी क्या देखने को मिलता है उनके पीरियड मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक महिला संभोग करने के बाद तुरंत पीरियड तुरंत क्या की गोली खा ली, अब गोली खाने के बाद उसको अगले महीने पीरियड नहीं आया तो उसका पूरा का पूरा चांसेस किस पे चला जाता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिसके वजह से वो डरने लगती है कि समाज को क्या लगेगा। ठीक है, अगर कोई अविवाहित लड़की है जो किसी के साथ संबंध बना ली है और वो तुरंत क्या किए गर्भ निरोधक गोलियां खा ली है तो उनमें ये देखा जाता है कि उनका पीरियड मिस हो जाता है। तो इसीलिए जब तक आप क्लियर ना हो जाओ कि आप प्रेग्नेंट हो तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में जो आपके प्रेगनेंसी किट आते हैं आप उनका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको फॉल्स प्रेगनेंसी कहा जाता है कि आपको लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हो बट आप प्रेग्नेंट होती नहीं हो, ये केवल और केवल इन दवाइयों की वजह से आपको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अगला है पीसीओएस, कुछ बीमारियां हमारे शरीर में, कुछ बीमारियां हैं लड़कियों के शरीर में जो आपके पीरियड अनियमितता के लिए जिम्मेदार होते हैं, पीरियड्स के इरेगुलरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे पीसीओएस। ठीक है, ये एक प्रकार का रोग है। आगे पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ लड़कियां क्या करती है बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कर लेती हैं। एक्सरसाइजेस करना बहुत अच्छा है लेकिन नियमित तरीके से, लड़का या लड़की दोनों को हमने बार बार कहा एक नियमित तरीके से एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है पीरियड को जल्दी ला देता है और कई बार क्या करता है पीरियड को बाद में लाता है। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं में ज्यादा एक्सरसाइजेस करने के बाद देखा गया है कि उनका जो पीरियड का डेट 10 तारीख था वो क्या होगा 2 तारीख को ही आ जाएगा, यानी बहुत पहले ही आ जाएगा। तीसरा है हार्मोन में असंतुलन। ठीक है, हार्मोन्स की मात्रा में अगर बदलाव होगा तो उसका असर पीरियड पर देखने को मिलेगा। चौथा प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ना। ठीक है, अगर एक लड़की क्या कर रही है अपने बच्चे को दूध पिला रही, क्योंकि दूध किसके वजह से बनता है प्रोलैक्टिन के वजह से। ठीक है, तो अगर एक औरत अपनी बच्चे को दूध पिला रही है तो जब तक वो दूध पिलाएगी उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी और ये हार्मोन ज्यादा रहेगा तो आपका पीरियड नहीं आएगा। चौथा है अगर कोई महिला को डायबिटीज या फिर थायराइड की परेशानी है तो उसके शरीर में भी हमको पीरियड देखने को मिल सकता है कि पीरियड उसका टाइम पर नहीं आएगा, तो ये इस बीमारी की वजह से होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये जाना। अब आपको बता दें पीसीओएस क्या है। ठीक है, पीसीओएस का नाम लिया है, इसका नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस पर तो वैसे हम आपको डिटेल में वीडियो देने वाले हैं पीसीओएस पर और पीसीओडी पर। ठीक है, पीसीओएस में क्या होता है अगर महिला के शरीर में हार्मोन्स में बदलाव हो रहा, कोई हार्मोन ज्यादा हो जा रहा कोई हार्मोन कम हो जा रहा, या फिर महिला के शरीर में अंडे के जगह गांठ बनने लग रही है सिस्ट बनने लग रही है तो इसी को पीसीओएस कहा जाता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें इसे आम बोलचाल की भाषा में पीसीओएस कहते हैं, जो हार्मोन में असंतुलन होने के कारण पैदा होता है। विशेषज्ञ का कहना है कि पीसीओएस के कारण पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी महिला को पीसीओएस है यानी उसके शरीर में जो हार्मोन से वो बराबर नहीं निकल रहे, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है प्रेगनेंसी के लेट या फिर जल्दी आने की एक क्या है रीजन है, महत्वपूर्ण रीजन है। उसके बाद है गर्भाशय। अगर किसी महिला को क्या है गर्भाशय में फाइब्रॉइड हो चुका है, गर्भाशय में फाइब्रॉइड होना एक गंभीर स्थिति है, बहुत ही गंभीर रोग है जिसका समय पर उपचार होना आवश्यक है। फाइब्रॉइड से ग्रसित महिला में पीरियड्स अनियमित होने का खतरा अधिक होता है। ठीक है, तो हम बोले ना कि अगर किसी लड़की का पीरियड अनियमित है तो वो क्या क्या सोच सकती है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हमने कहा ना कि पीरियड्स का इरेगुलर होना बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है, जैसे पहला पीसीओएस। अगर किसी महिला को कई बार
ठीक है, अगर हर एक महीना पे केवल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो 2-3 महीना लगातार ऐसा हो रहा है कि पीरियड कभी टाइम पर नहीं आ रहा, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये पीसीओएस का एक कारण है। दूसरा, अगर महिला को फाइब्रॉइड हो गया है, ठीक है, गर्भाशय में फाइब्रॉइड हो गया है, तो उसका पीरियड कभी टाइम पर नहीं आएगा, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है जो महिला का जान भी ले सकता है। और तीसरा रोग है ओवेरियन सिस्ट का निर्माण। अगर किसी महिला के अंडाशय में सूजन हो गया है, गांठ हो गया, जो अभी के समय में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसके वजह से भी क्या देखने को मिलता है कि महिलाओं का पीरियड कभी टाइम पर नहीं आएगा। और चौथा लास्ट हमारा हाइपोथायराइडिज्म विकार, यानी अगर किसी महिला के शरीर में जो रक्त प्रवाह में पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं है, ठीक है, किसी किसी महिला में क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो ये है ना, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाया जाता है जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाता है, अगर किसी महिला के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं महिला के शरीर में पीरियड की कमी, यानी पीरियड जो है अनियमित तौर पर एक लक्षण दिखाता है कि हाँ पीरियड आपका कभी भी रेगुलर टाइम पर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट आपका है शुगर का ज्यादा या बढ़ जाना। ठीक है, अगर किसी महिला का शुगर ज्यादा हो जा रहा या शुगर कम हो जा रहा, तो ये भी क्या चीज दिखाता है कि आपका जो पीरियड है टाइम पर नहीं आएगा। ठीक है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ना मेडिकल भाषा में डायबिटीज कहलाता है, यह एक गंभीर समस्या है जिससे पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला में शुगर बढ़ने पर उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, जिस भी महिला का बीपी ज्यादा होगा, शुगर ज्यादा होगा, उसका पीरियड कभी टाइम पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंडाशय का नष्ट हो जाना। ठीक है, अंडाशय नष्ट होना अनियमित पीरियड्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो महिला के शरीर में जो अंडाशय होता है, यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, कई बार महिला के शरीर का जो अंडाशय है वो अंडा बनाने का काम बंद कर देता है। जब महिला के शरीर में अंडा बनना बंद हो जाएगा, यानी उसका पीरियड क्या होगा, रुक जाएगा। वैसे तो ये नॉर्मली 35 साल की अवस्था पर होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में आजकल का जो हमारा डाइट है उसके वजह से लड़कियों का शरीर में क्या है, लगभग 40 साल की उम्र में ही अंडा बनना बंद हो जा रहा। ठीक है, इसी वजह से बार बार समझाया जा रहा है कि अपने आप को आप एकदम फिट रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि हर अंग का ख्याल रखना, ध्यान रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आपको हर वो रीजन बता दिए जिसके वजह से क्या होता है, एक महिला का पीरियड टाइम पर नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने पीरियड्स को टाइम पर ला सकते हैं। हाँ जी, घरेलू उपाय बताने वाले दादी, बुढ़िया दादी जो होती है ना, अम्मा लोग, उनके घर का घरेलू नुस्खा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आपके पीरियड को नियमित तरीके से, सही तरीके से लाने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और क्लासेस पसंद आएगा तो प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।